गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सेल्फ स्टडी ब्लॉग फॉर UPSC चैनल में आप सभी का स्वागत है। और ये वीडियो उनके लिए है जो लोग RO/RU की तैयारी कर रहे हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा घटना चक्र जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जिस तरह से उस तरह से घटना चक्र सॉल्व करने का जो बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, मतलब पुरानी घटना चक्र, क्योंकि अब समय कम बचा है, अब सॉल्यूशन करना ज़रूरी है, क्योंकि आप सॉल्यूशन नहीं करेंगे तो फिर टाइम काफ़ी हो जाएगा। तो बस चलिए, इसी उम्मीद के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं और ब्लॉग में बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। Play this record as frequently as possible. प्रसादों के कनकाप शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुण न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, बसता है कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। तो इस पंक्ति को आप लोगों ने अगर नहीं सुना है तो रश्मि रथ में लिखी हुई है, जरूर पढ़ें रश्मि रथ की बुक। तो उसमें लिखा हुआ है, प्रसादों के कनकाप शिखर, जो बड़े बड़े मकान हैं उसमें कबूतर ही रहते हैं, जो गरुण है वो महलों में नहीं रहता है और कभी कंचन पर, मतलब अच्छे बिस्तर पर नहीं सोता है, वो रहता है कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। तो बस ये कहानी हम लोगों से प्रेरित है कि हम लोगों को भी जो है, अभी हम अगर हमें गरुण बनना है तो अपनी ऊंचाई बढ़ानी पड़ेगी, और ऊंचाई बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम को जो हमारा लक्ष्य है उसको पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि वही जो है हमें अपनी पहचान और हमें गरुण की तरह ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज मैं सुबह जल्दी उठ गया था, मॉर्निंग में लगभग 4:30 पे, तो मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो गया था 5 ही बजे से, आज 5:30 बजे से मैंने 5:30 बजे से हिंदी पढ़ना शुरू किया अपना। हिंदी पढ़ के मैं लगभग मान के चलिए मुझे 1:30-2 मतलब 7:30 तक बजी गया था, 2 घंटे लग गए थे पूरे, क्योंकि मैंने कुछ टॉपिक पहले पढ़े, कुछ टॉपिक पढ़ने के बाद मैंने फिर उनका रिवीजन किया। रिवीजन बहुत ज़रूरी था, रिवीजन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रिवीजन मतलब आपको हर एक चीज़ जो है वो बेटर मतलब जल्दी जल्दी रिकॉल कराएगा, और उसके बाद आप जब टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे तो वो बहुत फ़ायदा करता है। तो रिवीजन तो मैंने किया ही किया साथ में, रिवीजन करने के साथ साथ अब हिंदी में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप लोग जो लोग अगर हिंदी के टॉपिक मैक्सिमम पढ़ चुके हैं वो मॉक टेस्ट लगाना जरूर शुरू कर दें हिंदी का, क्योंकि अगर मॉक टेस्ट आपने अभी भी नहीं लगाया तो एग्ज़ाम के पहले आपके पास समय नहीं बचेगा। तो और मॉक टेस्ट की कोशिश ये करिएगा कि मॉक टेस्ट जब लगाइएगा तो सेम टाइम पर लगाइएगा जिससे एग्ज़ाम टाइम जैसे होता है, एग्ज़ाम की तरह बैठ के मॉक टेस्ट दीजिएगा, क्योंकि अगर एग्ज़ाम की तरह मॉक टेस्ट नहीं देंगे आप तो फिर आपको अपने अंदर ही खुद ही मतलब आप ये सोचेंगे कि हो अरे इसमें क्वेश्चन गलत है, और एकदम एनालाइज बिल्कुल सही करना है उसको, मतलब उसमें कोई वो नहीं करना कि लाओ 2 नंबर जोड़ लें। फिर थोड़ा मैं बाहर उठा तो वही 8 बज ही गया था लगभग, तो देखा हल्की हल्की बारिश हो रही है, बारिश होने के बाद फिर अपना थोड़ा बैठे बैठे रहे बाहर, थोड़ा हवा वाली, छत पे गए थोड़ा, फिर नीचे लौट के आए, तो फिर अपने कहा क्या किया रहे, तो अब मैंने फिर पॉलिटी उठाई अपनी, क्योंकि पॉलिटी के मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आते ही आते हैं, आप लोगों को पता ही है। तो फिर मैंने पॉलिटी अपना पढ़ना शुरू किया, पढ़ा मतलब क्या, पहले जो पढ़ चुका था मैं पॉलिटी का लगभग, मतलब पूरा ख़त्म ही हो गया मेरा। तो मैंने कहा कि आज घटना चक्र जो है आज से लगाना शुरू किया रहे, तो घटना चक्र मैंने, जब आप घटना चक्र खोलेंगे तो शुरू में उसमें एक्ट दिए हुए हैं, ब्रिटिश इंडिया एक्ट हो गया, 1935 भारत शासन अधिनियम हो गया, तो ये सब दिया हुआ है। तो पहले तो मैंने अपना पॉलिटी के जो नोट्स थे मेरे पास, मैंने उन नोट्स को पहले रिवाइज़ किया, और नोट्स रिवाइज़ करने के बाद मैंने उठाई घटना चक्र। अब देखिए, इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ घटना चक्र लगाने का तरीका क्या है। पहले तो घटना चक्र आप ये समझ लीजिए कि घटना चक्र जैसे पॉलिटी की है, तो लोग क्या कहते हैं, एक दिन में एक चैप्टर लगाते हैं, एक चैप्टर मत लगाइए आप उसका, आप मोटा माटी क्या करिए, एक दिन में 3-4 चैप्टर लगाइए घटना चक्र से, क्योंकि उसमें टाइम नहीं लगता घटना चक्र लगाने में, क्योंकि आप खुद देखेंगे कि उसके जो मतलब ऐसा नहीं है कोई टॉपिक पढ़ा आपने तो उसमें ज़्यादा 10-20 क्वेश्चन दिए हुए शुरुआत में, तो शुरुआती क्वेश्चन आप एकदम फटाफट करिए। मैंने कल बहरहाल 4 से 5 चैप्टर लगाए थे, मैं अपना बता रहा हूँ पर्सनली 4 चैप्टर लगाए, उसमें UPSC के क्वेश्चन मुझे कुछ क्वेश्चन मिले उनको नोट्स में नोट डाउन किया। तो आप लोग क्या करिए, पहले क्वेश्चन लगाइए, जो क्वेश्चन नहीं आता है, जो क्वेश्चन PCS ने या RO में या MPPCS में MPPCS तक लगा सकते हैं मुझे लगता है, क्योंकि वो क्वेश्चन मैंने देखा कहीं कहीं RO और PCS में भी पूछे गए हैं, और या उत्तराखंड PCS या उत्तराखंड RO/RO में UDA/LDA लिखा रहता है वहाँ पे, आप देखेंगे। तो मैंने वो सब क्वेश्चन सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद उनको नोट्स में बनाया अपने, नोट्स में इसलिए बहुत ज़रूरी था कि नोट्स कंप्लीट करना भी अपने आप में मतलब कंप्लीट इन द सेंस मतलब नोट्स आप जब पूरे करेंगे तो उनको बाद में रिवीजन करने में, आप बुक तो लेके बैठेंगे नहीं बाद में एग्ज़ाम से 2 दिन पहले या एग्ज़ाम से 1 महीने पहले कि लाओ यार वो 4 क्वेश्चन पहले वाले चैप्टर के रह गए, तो उसमें क्या होगा, छूट जाएंगे। तो आप
स्पेशली वो क्वेश्चन करिए सॉल्व जो मतलब यूपी से रिलेटेड है, प्लस जो बार बार आए हुए हैं उनकी मतलब आवृत्ति ज़्यादा है, और बस इसी उसको सॉल्व करने के साथ उनके नोट्स, जो क्वेश्चन आपको नए मिल रहे हैं उनके नोट्स जरूर बनाइए, तो उससे दो फायदे होंगे आपको। आपका जो पूरा मतलब वो है क्या बोलते हैं, जैसे आप एक चीज़ मान के चलिए मोटा मोटा, जो आपका कॉन्सेप्ट होगा वो बहुत क्लियर होता चला जाएगा, क्योंकि जैसे हम लोग पढ़ तो लेते हैं पर उसमें क्वेश्चन तो आ रहे हैं क्या कहते हैं हमारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, स्टेटमेंट वाइज आ रहे हैं। अब मान लीजिए पूछा गया गवर्नर के बारे में पूछा गया आपसे, गवर्नर के लिए 4 पॉइंट लिख दिए उन्होंने कि लाभ के पद पे होना चाहिए या मतलब उसकी आयु उतनी होनी चाहिए, एक राज्य का एक गवर्नर 2 राज्यों का हो सकता है। अब उसमें एक टॉपिक उन्होंने इंक्रीड लिख दिया तो बोला कि इसमें बताइए कौन कौन से 3 टॉपिक गवर्नर के लिए सही है, तो ये तो आप ही फाइंड आउट करेंगे ना गवर्नर के लिए कौन से। और एक बात तो मोटा मोटा दिमाग में रख लीजिए, क्रोनोलॉजिकल स्टेटमेंट और टाइमलाइन, इनसे क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, आप ये समझ लीजिए। तो ये पूरे करे मैंने, नोट्स अपने पूरे करे, अब उसके बाद क्या बचा था, उसके बाद करंट अफेयर पढ़ना था मुझे, इन्वायरमेंट पढ़ना था मुझे जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, तो मैंने करंट अफेयर उठाया अपना, करंट अफेयर पढ़ना शुरू किया, इन्वायरमेंट नहीं पढ़ के डाला पूरा ख़त्म मैंने। मैंने कहा कि आज क्योंकि इन्वायरमेंट मुझे 21 तारीख तक ख़त्म करना है पूरा अपना अपना, और इन्वायरमेंट पूरा ख़त्म करने के साथ अब बचा था यूपी जीके। तो यूपी जीके में एक्चुअली मैं थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो रही है कि यूपी जीके में एग्जैक्टली चीज़ें फ़िल्टर नहीं हो पा रही हैं, फ़िल्टर हो रही हैं मतलब टॉपिक्स मुझे मतलब समझ में आ रहे हैं, बट ये है कि कुछ चीज़ें मैं क्योंकि क्वेश्चन देख रहा हूँ तो बड़ा वेरिएशन लग रहा है मुझे, मतलब प्रीवियस ईयर के जो मतलब RO में हुए हैं, तो मैं उसी के हिसाब से अकॉर्डिंग जो है मैंने फिर कल अपना एक शॉर्ट नोट बनाया है, मतलब कि यूपी जीके में फ़िल्टर करके क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो वो सब चीज़ें फ़िल्टर करने के बाद मुझे समझ में आया कि यूपी जीके में स्पेशली जो क्वेश्चन आते हैं वो हर तरह के मतलब उनके क्वेश्चन बहुत इजी हैं, मतलब क्वेश्चन पूछने का तरीका जो आरओ आयोग का है वो बहुत इजी है। जैसे वो कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चन मतलब जैसे इजी में मतलब आपको यूपी जीके का मैप, यूपी का मैप ले लीजिए आप, मैप में वो जिलों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अभी GI टैग अपडेट हो रहे हैं, रामसर साइटें हो गई, ठीक है, उसके अलावा अभ्यारण पूछ लेता है, ठीक है, तो ये चीज़ें। और उसके बाद आप बेसिक क्वेश्चन, मैंने तो कभी कभी ये भी देखा है कि वो चिन्ह वगैरह से मतलब क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब जैसे यूपी, हम ये देख लें यूपी किन किन चीज़ों में नंबर वन है, भाई जनसंख्या में नंबर वन है ही, ठीक है, और यूपी मेरे ख्याल से शायद दूध उत्पादन में, शायद नहीं दूध में तो हरियाणा है, और शायद फर्टाइल लैंड में शायद नंबर वन है, ऐसे कई चीज़ें हैं। तो यूपी में नंबर वन लिस्ट मैंने अभी बनाई नहीं, उनको मैं बना लूँगा तो आप लोगों को डाल दूंगा वीडियो में, तो नंबर वन बना लीजिए कि नंबर वन किन किन चीज़ों में यूपी आता है। यूपी में नई योजना है, जैसे अभी बजट आया था तो बजट के तहत कौन सी योजनाएँ बनाई गई और कौन सी योजनाएँ जो है लागू हैं, तो वो योजनाएँ आपको पता होनी चाहिए अच्छे से, क्योंकि ये योजनाएँ आती आती हैं आपकी, एक नंबर का मतलब क्वेश्चन दे देगा, या क्वेश्चन ऐसे दे देगा इसमें इसमें क्या करता है कि वो पूछ लेगा कि मतलब ईयर दे देगा और 4 योजनाएं दे देगा, बता देगा ये कौन सी योजना कब मतलब लागू हुई थी। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिए आप, और बस ऐसे ही पढ़ाई को करते रहिए अपनी। अब मेरा ट्राईपॉड भी टूट गया था, तो मेरा ट्राईपॉड कल नया आ गया पर वो भी डिफेक्टेड निकला, तो अभी मैंने उसको रिप्लेस करके डाला है, बट जब तक नहीं है तब तक उसी से बनाते हैं। तो बस आज का अगला वीडियो जो है अब कल आएगा आपके पास, कल जो मैं मतलब पढ़ूंगा अपना पूरा, तो कल जहाँ तक मैं, या हो सकता है मैं आज शाम को ही रिलीज़ कर दूँ। तो बस उसी तरह व्लॉग बने रही है, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, और जो लोग मुझसे पूछते हैं कि कैसे पढ़ना है किस तरह पढ़ाई होनी है, तो बहुत बहुत शुक्रिया।